नमस्कार दोस्तों, बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मटर की खेती करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मटर की खेती संपूर्ण भारत में, मटर का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी खेती अत्यधिक क्षेत्र में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ठंडक रहती है, वहाँ पर इसकी खेती गर्मियों में भी बिकी जाती है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार एवं कर्नाटक में अधिक की जाती है। दोस्तों, मटर की खेती करने के लिए एक उचित जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं मटर की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु एवं भूमि। मटर की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए अक्टूबर से नवंबर तक का मौसम बुवाई हेतु उत्तम रहता है। सब्जी मटर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त दोमट एवं बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। अच्छे साधनों की उपलब्धता होने पर सभी प्रकार की भूमि में पैदावार ली जा सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मटर की खेती करने के लिए मटर की किस्मों के बारे में। दोस्तों, समय के आधार पर मटर की किस्में अलग अलग पाई जाती है। पहले तो अगेती किस्में, जैसे कि अगेता 6, अर्किल, पंत सब्जी मटर 3 एवं आजाद पी 3 हैं। मध्यम एवं पचेती किस्में, जैसे कि आजाद पी 1, वोनविले, जवाहर मटर 1, आजाद पी 2 हैं। ये किस्में ऐसी हैं जिनसे आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मटर की खेती करने के लिए खेत की तैयारी। खेत की पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद की 3-4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके भली भांति समतल कर भुरभुरा बना लेना चाहिए, और आखिरी जुताई करने के बाद पाटा अच्छी तरह से लगाकर नमी को दबा देना चाहिए, जिससे कि बुवाई के समय नमी अच्छी तरह बनी रहे। और बीज बुवाई अगेती प्रजातियों में 150 से 160 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लगता है। मध्य एवं पिचेती प्रजातियों में 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लगता है। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 ग्राम थीरम या 3 ग्राम मेनकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। बीज शोधन के बाद एक पैकेट या 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज में मिलाकर छाया में सुखाने के बाद ही बुवाई करनी चाहिए। अगेती प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करनी चाहिए। मध्य एवं पिछेती प्रजातियों की बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करनी चाहिए। बुवाई लाइनों में हल के पीछे 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है, और अधिक घना होने पर जमाव के बाद बिरला कर देना चाहिए। और मटर की खेती करने के लिए पोषण प्रबंधन, आखिरी जुताई में खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद भली भांति मिला देना चाहिए। फिर भी अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना आवश्यक है। आधी मात्रा नाइट्रोजन, पूरी मात्रा फास्फोरस एवं पोटास की बुवाई करते समय तथा शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुवाई के 25 से 30 दिनों के बाद देना चाहिए। और मटर की खेती करने के लिए जल प्रबंधन, सब्जी मटर की फसल कम पानी में होने वाली फसल है, लेकिन
इसकी बुवाई पलेवा करके अच्छी नमी में करना चाहिए। इसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन फसल में फूल आने पर तथा फलियों में दाना पड़ने पर अच्छी नमी रहना आवश्यक है। और इस खेती को करने के लिए खरपतवार नियंत्रण, फसल की प्रारंभिक अवस्था में सिंचाई से पहले हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण में देर करने पर फसल पर कुप्रभाव पड़ता है। जिस खेतों में अधिक खरपतवार उगते हैं, वहां पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बुवाई के बाद 1-2 दिन के अंदर ही जमाव के पहले पेंडीमेथलिन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। और इस खेती में रोग प्रबंधन, मटर की खेती में कई रोग लगते हैं, जैसे कि एस्कोकाइटा, विलाइट, फ्यूजेरियम, विल्ट, बैक्टीरियल वाइट, झुलसा, उकठा रोग, बुकनी रोग आदि लगते हैं। बुकनी उल्टा सफेद विलगन के लिए कार्वेन डाजिम 500 ग्राम को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर छिड़काव करना चाहिए। ब्लाइट के लिए 50 WP बेविस्टीन 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही बीज शोधन करके बुवाई करनी चाहिए तथा रोग रोधी प्रजातियों की बुवाई करनी चाहिए। और इस फसल में कीट प्रबंधन, इसमें पत्ती में सुरंग बनने वाले गिडार एवं फली भेदक कीट लगते हैं। सबसे पहले कीट वाले पौधों को उखाड़कर अलग कर देना चाहिए तथा आगे की बोई गई फसलें में बुवाई के समय कुंडों में कार्बो फ्यूरान 50 किलोग्राम अथवा 5 किलोग्राम फोरेट प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फली भेदक देखने में वेसिल सफ्यूरी जेसिस 1 किलोग्राम या फेन वेलरेट 750 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफास 1 लीटर को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। और अंत में फसल की कटाई, फूल आने के 3 सप्ताह बाद फलियां टुड़ाई योग्य हो जाती हैं। फलियां तैयार होने पर सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 टुड़ाई करनी चाहिए। और इस फसल से पैदावार, अगेती प्रजातियों में फलियों की पैदावार 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टर तथा मध्य एवं पचेती प्रजातियों की पैदावार 60 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको मटर की खेती करने के बारे में बताया। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और भी इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस बिजनेस नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।